न्यूज के इस खुलासे के बाद बीजेपी और जेडीयू की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं दीपक जी, जितना खुलासा आपने करा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, अगर कोई अवार्ड हो तो उसके लिए मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि सारे टेप निकाल के दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, इन टेपों को सुनने के बाद भी अगर कोई कहता है कि भाई पवन कुमार बंसल का कोई लेना देना नहीं था, जिसके घर पे जाते हैं वो कहते हैं आरएम चले गए हैं यहां पे, वो कहते हैं अच्छा वो अभी आपको जाके मिला देंगे, और आरएम का उनसे कोई वास्ता नहीं था, तो भैया एक वो कहते हैं कि हम लोग शायद रोटी को रोटी नहीं कहते, चोची कहते हैं। ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए इसके पहले भी कुछ मामलों के खुलासे हुए हैं, और आपने कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र की मदद की है, भरोसा फिर से जगह। ऐसे मामलों में अगर पूरी मजबूती के साथ आप ऐसे सवालों पर आप आएंगे तथ्यों के साथ, तो जांच एजेंसीज पर भी एक नैतिक दबाव बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इंडिया न्यूज की टीम बधाई की पात्र है, आंचल आनंद जी, और आपके निर्देशन में ये एक बड़ा खुलासा है, और इस दिशा में कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि इसकी वकालत राजनीति के शीर्ष पर बैठे लोगों को करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो उनकी जगह है वहां जरूर भेजने में एजेंसीज पर दबाव बनाना चाहिए।